हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ केक की डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाली परफेक्ट स्टिफ पीक्स वाली व्हिप्ड क्रीम कैसे तैयार की जाती है उसको लेकर के एक वीडियो लेकर के आई हूँ। वैसे तो फ्रेंड्स, व्हिप्ड क्रीम से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, पर मेरे कुछ व्यूअर्स को कुछ डाउट्स, कुछ कन्फ्यूजन हो रहे थे, तो मैंने सोचा फिर से एक वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज इस वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके की आपको व्हिपिंग क्रीम लेनी है, उसे कहाँ स्टोर करना है, कितने दिन तक आप उसे स्टोर कर सकते हैं, उससे कैसे परफेक्ट व्हिप क्रीम बनाई जाती है, और साथ ही व्हिप क्रीम में ऐसा क्या मिला दिया जाए जिससे कि वो एकदम स्टिफ पीक्स वाली बनी रहे, गर्मी में भी मेल्ट ना हो, कितने केजी के केक के लिए आपको कितनी क्रीम लेनी होगी, एक डब्बे की क्रीम से आपके कितने केक्स बन जाएंगे, ये सारे व्हिप क्रीम से रिलेटेड जितने भी राज होते हैं फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में बताए हैं। तो मेरी पहली तो रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखेगा, और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरे पास यहाँ पर रिच कंपनी की नॉन डेरी व्हिप टॉपिंग रखी हुई है, यानी कि ये व्हिपिंग क्रीम है। ये 1 केजी की पैकिंग में आती है, जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है आपको आराम से वहाँ मिल जाएगी। ये आपको अलग अलग ब्रांड्स में भी मिल सकती है, जैसे मुझे रिच कंपनी की मिली, हो सकता है आपको ट्रोपोलाइट या डिलाइट, और भी बहुत से ब्रांड आते हैं तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। इनकी रेंज जो होती है वो 150 से 200 के बीच में होती है अपनी जगह के हिसाब से। तो जब भी आप इसे मार्केट से लाएं, आप इसे अपने घर में ला करके फ्रीजर में जहाँ पर बर्फ जमाते हैं वहाँ पर रख करके स्टोर करें, और जब आपको इस्तेमाल करनी हो आप उसे 1 घंटा पहले बाहर निकाल लें। तो आपको इस्तेमाल इसका प्रॉपर दिखाने के लिए मैंने इस क्रीम को पहले से ही फ्रीजर से बाहर निकाल लिया था 1 घंटा पहले। आप देख सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसको किस तरीके से परफेक्ट तरीके से यूज में लिया जाता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से इसकी सील खोलनी है। ये बिल्कुल एयर टाइट सील पैक होकर के आती है। अगर आपको पैकेट कोई खुला हुआ दिखे तो आप उसे परचेज ना करें, आप एकदम सील पैक वाला ही पैकेट लें। तो क्योंकि मैंने इसे फ्रीजर से पहले ही बाहर निकाल दिया था तो ये थोड़ी सी देखिए मेल्ट हो गई है। हमें बिल्कुल ऐसी ही क्रीम चाहिए, क्योंकि अगर ये जमी हुई हुई तो हमारी क्रीम जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, क्योंकि उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स होंगे। तो हमें बिल्कुल ठंडी चिल्ड लेकिन मेल्टेड क्रीम ही चाहिए होगी। अब क्रीम को बनाने के लिए आपको एक साफ ड्राई बर्तन लेना होगा, बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, और ऐसे ही मैं देखिए आपको एक 250 ml के कप से क्रीम को बनाना बताती हूँ। अगर आप 1/2 kg का केक बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये 250 ml वाला एक कप भर करके लेना होगा। लेकिन अगर आपकी डेकोरेशन कुछ एक्स्ट्रा क्रीम मांग रही है तो आप इसके ऊपर 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1/2 kg के लिए 250 ml व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट रहती है। तो आप देख सकते हैं मैंने मेल्टेड क्रीम ले ली है। अब इसमें थोड़ी सी जमी हुई क्रीम आ रही थी तो मैंने डब्बे को थोड़ा रोटेट कर लिया है और फिर से मैं इसकी मेल्टेड क्रीम ही ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसको मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। फ्रेंड्स अगर आपके पास समय कम हो और आप फ्रीजर में से व्हिपिंग क्रीम निकालना भूल गए हो, तब आप क्या करें, आप जमी हुई क्रीम को ही मिक्सिंग बाउल में लेकर के उसे स्पून से थोड़ा क्रश करके भी यूज ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्रीम जो है वो मेल्टेड पिघली हुई होनी चाहिए और उसमें आइस क्रिस्टल्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो जितनी हमें क्रीम चाहिए थी हमने निकाल ली है, और बाकी के पैकेट को हम फिर से सील पैक कर देंगे। अच्छे से इसे पोंछ करके इस पर सेलो टेप लगा देंगे ताकि इसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना जाए, और फिर से इसे फ्रीजर में स्टोर कर देंगे दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए। फ्रेंड्स इस 1 kg के पैकेट में आपके आराम से 1/2 kg के 3 से 4 केक बन जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपने इस पैकेट की सील एक बार खोल दी तब आप इसे 1 महीने के अंदर इस्तेमाल में ले लीजिएगा, उससे इसका टेस्ट और रिजल्ट बढ़िया आएगा। सील पैक पैकेट को तो आप 6 महीने तक अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बची हुई क्रीम अपनी फ्रीजर में स्टोर कर दी है, और जो हमने क्रीम निकाली है अब उससे हम परफेक्ट तरीके से अपनी क्रीम तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्रीम को व्हिप करने के लिए इलेक्ट्रिक बीटर लिया है। ये मेरा प्रेस्टीज ब्रांड का बीटर है, 300 वॉट है इसकी कैपेसिटी। जब भी आप बीटर लें उसे 300 वॉट का ही लें, उससे कम का बिल्कुल भी ना लें। और जो भी आपके बीटर में 3 या 4 स्पीड्स हों, सबसे पहले आपको 1 मिनट तक लोअर स्पीड पर इसे चलाना है। तो मैं अभी इसे 1 मिनट तक सबसे 1 नंबर की स्पीड पर चलाऊंगी, जो कि सबसे स्लो स्पीड होती है। तो यहाँ लगभग नंबर 1 यानी कि सबसे लोअर स्पीड पर मैंने इसे 1 मिनट तक बीट किया। आप देख सकते हैं थोड़ी सी ये फ्रॉथी हो गई है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बताती हूँ, ये जो नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम होती है, चाहे आप किसी भी ब्रांड की लें, वो ऑलरेडी स्वीट होती है यानी कि मीठी होती है, तो आपको इसमें आइसिंग शुगर या पिसी हुई चीनी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी क्रीम काम करते हुए मेल्ट होती रहती है, स्टिफ पीक्स वाली नहीं बनी रहती है, तब आप इसमें 2 चम्मच आइसिंग शुगर की ऐड कर सकते हैं।
और भी फ्रेंड्स कई ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आपकी क्रीम जो है स्टिफ पीक्स वाली बनी रहे, काम करते हुए भी मेल्ट ना हो। उनमें से पहला ऑप्शन होता है ये साइट्रिक एसिड, जिसे आप नींबू का सत या नींबू का फूल भी कह सकते हैं। और दूसरा आप इस्तेमाल ले सकते हैं सीएमसी पाउडर, जो कि एक स्टेबलाइजर होता है। ये दोनों ही पाउडर्स हमारी क्रीम को स्टिफ पीक्स बनाने में हेल्प करते हैं, बहुत देर तक गर्मी में भी रहने से हमारी क्रीम को मेल्ट होने से बचाते हैं। कई लोगों को डाउट होता है फ्रेंड्स कि क्या इन पाउडर से हमारी क्रीम का टेस्ट जो है खट्टा हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड। इसको डालने से आपकी क्रीम का कोई भी टेस्ट चेंज नहीं होगा, बल्कि वो बढ़िया स्टिफ पीक्स वाली बन जाएगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ साइट्रिक एसिड किस तरीके का दिखता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल छोटे छोटे चीनी के दाने के बराबर होता है। और एक कप क्रीम के अंदर आपको केवल दो चुटकी ही ये यूज करना होता है, उससे ज्यादा नहीं यूज करना होता है। इस तरीके से आपको दो चुटकी ही ये यूज में लेना है। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप चाहें तो सीएमसी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएमसी पाउडर किसी भी पंसारी की शॉप में आपको मिल जाएगा या फिर जहां केक बनाते हैं। ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में होता है फ्रेंड्स, और इसको डालने से तो क्रीम बिल्कुल परमानेंट स्टिफ पिक्स वाली बनी रहेगी, इसकी तो मेरी गारंटी है। और ये भी आपको लगभग दो चुटकी के बराबर ही यूज करना होता है एक कप क्रीम में। तो आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शन हो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप सीएमसी पाउडर को एक बार यूज करके देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और इसको डालने के बाद अब हम अपनी क्रीम को नंबर दो स्पीड पर फिर से विप करेंगे। फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को कि हमारे पास ना साइट्रिक एसिड है ना सीएमसी पाउडर है, तब क्या करें? तब आप इसमें 3 से 4 ड्रॉप नींबू के रस के या फिर विनेगर सिरका भी ऐड कर सकते हैं, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन क्रीम ज्यादा देर तक स्टिफ पीक्स वाली नहीं रहेगी, उसके लिए आप या तो साइट्रिक एसिड या फिर सीएमसी पाउडर ही इस्तेमाल में लें, जो भी आपको इजिली अवेलेबल हो। फ्रेंड्स अगर आप 1 kg का केक बनाने जा रहे हैं तो आपको 2 कप व्हिपिंग क्रीम लेनी होगी। तब उस स्टेज पर आपको 2 चुटकी नहीं बल्कि 4 चुटकी ये साइट्रिक एसिड या फिर सीएमसी पाउडर इस्तेमाल करना होगा, जो कि 1/4 teaspoon के बराबर होगा। और उससे भी बड़ा अगर आप केक बनाने जा रहे हैं तो आप अपने मेजरमेंट को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो लगभग 3 मिनट और मैंने इसको नंबर 2 स्पीड पर चलाया है और हमारी क्रीम जो है वो अब रेडी ही होने वाली है। तो बस क्रीम के तैयार होने से 1 मिनट पहले ही आपको कोई भी फ्लेवर जो भी आपकी चॉइस का हो ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ फ्लेवर एसेंस एमल्शन ऐड कर सकते हैं। 250 ml के 1 कप क्रीम में आपको लगभग 3 से 4 ड्रॉप ही ऐड करनी है फ्रेंड्स, उससे ज्यादा ऐड आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपकी क्रीम का टेक्सचर जो है वो बिगड़ सकता है। फ्लेवर डालने के बाद आप इसे फाइनल स्टेज यानी कि 3rd number की स्पीड पर फिर से 2 मिनट तक बीट कर लीजिएगा, आपकी परफेक्ट स्टिफ पीक्स वाली क्रीम रेडी हो जाएगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप जो चाहें इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, फ्लेवर लेकिन आपको क्रीम के रेडी होने से 1 मिनट पहले ही ऐड करना है। फ्रेंड्स बीट करते टाइम भी आपको अपने बीटर को रोटेट करते रहना है इस तरीके से, और अपने मिक्सिंग बाउल को भी रोटेट करते रहना है। इससे क्या होगा, जो साइड्स की क्रीम है वो भी आपकी बीट हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, हम बीच में ही बीट करते रहते हैं तो जो साइड की क्रीम का टेक्सचर है वो सॉफ्ट रहता है, जिसको मिलाने पर हमारी क्रीम का टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं आता है। तो आपको बीटर को भी रोटेट करना है और साथ ही मिक्सिंग बाउल को भी। ये देख सकते हैं जैसे ही मैं बीटर उठा रही हूँ तो जो आगे चौंच बन रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट बन रही है, तो मैं इसे लगभग 1 मिनट और बीट कर लेती हूँ, जब तक कि हमारी जो ये पीक है वो एकदम खड़ी चौंच वाली नहीं बन जाती। इस तरीके से देखिए मैंने 1 मिनट इसे और चला लिया है। अब बीच में मैं एक स्पैचुला की मदद से जो साइड्स की क्रीम है उसे भी थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, ताकि अगर कोई क्रीम कोने की रह गई है बिना बीट की हुई वो भी अच्छे से बीट हो जाए। ऐसे आपको बीच में 1-2 बार इसे मिक्स कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, उससे क्रीम का टेक्सचर ओवरऑल बढ़िया आता है। तो हमारी क्रीम जो है रेडी हो गई है, मैं इसे 1 बार और चला लेती हूँ बीटर से। तो अब हमारी जो स्टिफ पीक्स वाली क्रीम है फ्रेंड्स रेडी हो गई है। सीएमसी पाउडर ने अपना बहुत ही बढ़िया काम किया है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इसमें लेयर्स बन रही है। चेक करने के लिए आप अपने बीटर को रोक करके जब इसे ऊपर उठाएंगे तो आपकी इस तरीके से ये चौंच बननी चाहिए। बस इस स्टेज पर आप अपने बीटर को ब्लेड से निकाल दीजिएगा, जो भी ब्लेड्स में एक्स्ट्रा क्रीम है आप उसे भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से 5 से 6 मिनट के अंदर फ्रेंड्स कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करके हम अपनी केक डेकोरेशन की ये परफेक्ट स्टिफ पीक्स वाली क्रीम को तैयार कर सकते हैं। लास्ट में फ्रेंड्स बीटर को निकालने के बाद आप स्पैचुला से भी इसे बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा कट एंड फोल्ड करते हुए। आपको इसे बहुत ज्यादा तेज तेज मिक्स नहीं करना है, उससे क्रीम का टेक्सचर खराब हो जाता है। तो क्रीम हमारी बढ़िया रेडी है फ्रेंड्स। अगर इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी क्रीम बच जाती है तब आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर करके 2 दिन तक फ्रीजर में रख भी सकते हैं और फिर उसे 2 दिन के अंदर यूज में ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी क्रीम बढ़िया रेडी है। मैं इस बाउल को उल्टा कर रही हूँ तो क्रीम गिरना तो दूर हिल भी नहीं रही है। इसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आप इसे इस्तेमाल से पहले 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ढक करके, और उसके बाद आप किसी भी पाइपिंग बैग में भर करके नोजल लगा करके इसे बढ़िया सी डेकोरेशन कर सकते हैं।
इस तरीके से अगर आप अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे तो आपके डिजाइन भी नीट बनेंगे और काम करने के दौरान भी आपकी क्रीम मेल्ट नहीं होगी। अब बात आती है फ्रेंड्स, अगर हमें क्रीम को कलरफुल बनाना हो तब कौन से कलर ऐड करें, किस तरीके से ऐड करें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको कलर यूज़ करने हैं तो आपको लिक्विड कलर तो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेने हैं। अगर आप बेकरी स्टाइल अपनी डेकोरेशन चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी क्रीम के अंदर जेल कलर ही यूज़ करने हैं। ये कंसनट्रेटेड होते हैं, एक से दो ड्रॉप में ही काफ़ी अच्छे कलर दे देते हैं। लेकिन कई बार फ्रेंड्स हमें कोई शेड चाहिए होता है, उसके लिए हमें 3 से 4 ड्रॉप जेल कलर के चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 2 ड्रॉप ऑरेंज के डाले, 1 ड्रॉप मैंने पिंक कलर का डाला और 1 ड्रॉप मैं येलो कलर का ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ी ही क्रीम में मैंने 4 ड्रॉप ये जेल कलर डाल दिया है। हो सकता है मेरी क्रीम का टेक्स्चर थोड़ा बिगड़ जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इसको अच्छे से कट एंड फोल्ड करते हुए ही मिक्स करना है। जोर जोर से अगर स्पैचुला हम चलाएंगे तो हमारी क्रीम का टेक्स्चर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, क्रीम मेल्ट होने लगेगी। तो देखिए मैंने कट एंड फोल्ड करते हुए इसे मिक्स किया है और आप देख सकते हैं थोड़ी सी क्रीम का टेक्सचर सॉफ्ट हो गया है, पिक्स हल्के से गिर रहे हैं। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, 5 मिनट के लिए फिर से फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। तो मैं इसे 5 मिनट फ्रिज में रख देती हूँ और 5 मिनट के बाद आप इसे किसी भी पाइपिंग बैग में भर करके इससे डेकोरेशन कर सकते हैं। अब आपकी क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल पहले जैसा ही स्टिफ पिक्स वाला हो जाएगा। तो ये कुछ जरूरी बातें और स्टेप्स थी फ्रेंड्स, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप भी अपनी क्रीम को परफेक्ट तरीके से बीट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपकी क्रीम परफेक्ट बीट होगी तभी आप अपने केक की परफेक्ट बेकरी स्टाइल डेकोरेशन कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहा होगा, इससे आज आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलूंगी आपके साथ एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।